बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के पहले एपिसोड में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को देखा गया था। बीती रात इस चैट का दूसरा एपिसोड भी सामने आया है। इसमें बॉबी देओल और सनी देओल बतौर मेहमान नजर आए। इस चैट शो पर बॉबी और सनी पाजी ने कई खुलासे किए। इस दौरान बॉबी देओल ने ये भी कंफर्म करते हुए बताया कि वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू फिल्म स्टारडम में नजर आएंगे। करण जौहर की शो पर बॉबी देओल ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बात की। अभिनेता ने कहा कि मैंने सबसे पहले क्लास ऑफ 83 की और अब आर्यन खान के शो में भी नजर आऊंगा। मुझे लगता है कि इस प्रोडक्शन हाउस ने मुझे अच्छा कंटेंट दिया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल जल्द ही संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में नजर आएंगे। इस फिल्म में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। फिल्म का टीजर हाल ही में मेकर्स ने जारी किया था। नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर फिल्म क्लास ऑफ 83 में बॉबी देओल ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिसर विजय सिंह की भूमिका निभाई थी। ये 2020 के अगस्त में रिलीज हुई थी। आर्यन खान के डायरेक्शन में डेब्यू फिल्म की बात करें तो उनका शो 6 एपिसोड का होने वाला है। इसका नाम स्टारडम है। इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि ये फिल्म इंडस्ट्री के बैकड्रॉप पर होगी। स्टारडम को आर्यन खान ने ही लिखा है और वही इससे डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। बॉलीवुड टीवी शो बिग बॉस और ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।